शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना ये बीमारी को फैलने से रोकना है। कोरोना यह बीमारी का जंतु बहुत ही जिद्दी वायरस है। सामान्य जनता को यह मार रहा है। इस बीमारी से बचने हेतु भाजपा के वैद्यकीय आघाड़ी ने अंदाजन 50,000 लोगों को प्रतिबंधित दवाई बांटी है। यह बीमारी बहुत ही खतरनाक है। इसका तीसरा चरण शुरू है और यह किसी को भी हो सकती है। इससे बचने के लिए जनता को सतर्क रहना जरूरी है। घर से नहीं निकलना और जिन्हें जेनेटिक बीमारी है जैसे मधुमेह, दमा और जो 60 साल के व्यक्ति है उन्हें घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए ताकि वो इस बीमारी के चपेट में ना आए। होम्योपैथी की दवा इस बीमारी को रोकने की दवा है। आम आदमी को वो लेना चाहिए। यदि कोई बेवजह घूम रहा है तो पुलिस ने बात ना करते हुए अपने डंडे से बात करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति में इस बीमारी के कुछ लक्षण सामने आते हैं या कुछ लक्षण समझ आते हैं तो उन्होंने तुरंत खून की जांच करनी चाहिए। इस जान लेने वाली बीमारी को रोकने के लिए जनता को यह जानकारी देना आवश्यक है। कोरोना आजार जेव्हा नागपुरात सुरू झाला तेव्हा आम्ही बैठक घेतली। माझ्या कार्यकारिणीत नागपूरचे सगळे जवळपास तज्ज्ञ आहेत। असा विचार केला की ही बीमारी कशी थांबवायची, सामान्य लोकांना पसरेल, कॉमन माणसाला खूप जास्ती होईल। मी खूप विचार केला आणि त्याच्यावर निर्णय घेतला की आपण काहीतरी करावं। सगळ्या डॉक्टरांशी चर्चा केल्यावर असं निदर्शनास आलं की याच्यावर प्रिव्हेंटिव्ह म्हणून औषध नाही। वन्स देअर इज अ कोरोना इट्स व्हेरी डेंजरस। त्याचा जो व्हायरस आहे तो अत्यंत घातक आहे आणि जिद्दी आहे। होमिओपॅथी डॉक्टरांनी मला सांगितलं की एक औषध जर आपण दिलं त्याच्याने प्रिव्हेंटिव्ह होऊ शकते। होमिओपॅथी औषधीचा दुष्परिणाम नाही आहे, स्वस्त आहे। आम्ही ते औषध सुरू केलं, वाटप चालू केली। नागपूर शहरात 25 दवाखाने आम्ही उघडले तिथे ते डॉक्टर औषध देतात आहे। नागपुरात जवळपास आम्ही आता 60,000 वर लोकांना औषध दिली आणि अजून एकही कंप्लेंट नाही आहे की तुम्ही औषध दिलं त्याला कोरोना झाला। पण मी एवढंच सांगू इच्छितो की प्रिव्हेंटिव्ह करू, 100% खात्री नाही आहे। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर दॅन क्युअर। स्वाईन फ्ल्यू नावी आता बिमारी आम्ही पाहिली होती। 45,000 लोकांना आम्ही औषध दिलं स्वाईन फ्लूच्या आणि 45,000 लोकांपैकी एकालाही स्वाईन फ्ल्यू झाला नाही। याचं सुरुवातीला आम्ही जेव्हा सुरू केलं तर पहिला जो पेशंट नाही म्हणता येईल ज्याला प्रिव्हेंटिव्ह म्हणून औषध दिलं ते होते माननीय नितीन गडकरींनी जे योगदान आणि जे केलं ते अत्यंत जास्ती केलं। ते मला म्हणाले की मला तू का दिलं औषध। म्हटलं साहेब सगळ्यात जास्ती लोकांना तुम्हीच भेटता, पण माझ्या 25 डॉक्टरपैकी एखाद्याच्या हातून जर मला तुमचं प्रिव्हेंशन लागेल आणि मला 40 रुपये द्या म्हणून त्यांनी पैसे घेतले। पण नंतर माझ्या लक्षात आलं की लोकांकडून पैसे नाही घ्यायचे। माझा एकही डॉक्टर पैसे नाही घेत। तुम्हाला एवढा त्रास देतो आहे मी की ही बीमारी आता अंतिम टप्प्यात आलेली आहे, थर्ड स्टेजमध्ये आहे। आता हा व्हायरस पाहिलेलं आपण माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सगळं ओपन केलं आहे। हा व्हायरस तेजीने फैलला, वरचाही साथ नाही देऊन राहिला, पाऊस येऊन राहिला। हा व्हायरस जर पोटात गेला, शरीरात गेला तर अत्यंत घातक। काही सूचना मला आपल्या माध्यमातून सामान्य जनतेपर्यंत पोचवायच्या आहेत। ज्याला दमा ब्रॉन्केल अस्थमा ज्याला म्हणतो, डायबिटिक मधुमेह ज्याला म्हणतो, जो मोठा आहे तगडा आहे आणि जो पैशांनी आर्थिकदृष्ट्या कमी आहे त्यांनी घराच्या बाहेर नाही निघत। ह्या आजाराचा विषाणू जेव्हा शरीरात जातो तेव्हा तो मारतो रेस्पिरेटरी ट्रॅक्टला। रेस्पिरेटरी ट्रॅक म्हणल्यावर लंग्सवर इन्फेक्शन होणं, डोक्यामध्ये रक्त कमी जाणे, हार्टमध्ये रक्त कमी जाणे आणि पेशंट मरणे, त्यांनी काळजी घ्यावी। त्याला जर वाटलं की मला आजार आहे, शक्यता वाटली, न चुकता मेयो आणि मेडिकलला जायचं आणि आपलं ब्लड तपासून घ्यायचं। हे ब्लड निःशुल्कपणे राहील, त्याचे पैसे घेतल्या जाणार नाही। काही अडचण आली तर आम्हाला सूचना द्यावी, आम्ही ते निःशुल्क करून देऊ। तिसरी आणि महत्त्वाची सूचना या माध्यमातून देऊ इच्छितो की होमिओपॅथीमध्ये थोडासा दम आहे, होमिओपॅथी औषध तुम्ही घ्यावं, होमिओपॅथी डॉक्टरकडे जावं। अडचण असली तर आम्हाला फोन करावा, आम्ही ते निःशुल्कपणे देण्यास तयार। चौथी आणि अत्यंत महत्त्वाची सूचना आता यावेळी मी देऊ इच्छितो, मी कोणत्याही राजकारण्यांना काही म्हणणार नाही,
पंतप्रधानांनी जे केलं ते जगामध्ये नंबर वन केलं. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी चांगलं केलं. देवेंद्र फडणवीसांनी तुम्ही पाहिलं असेल की प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये जाऊन आले, सूचना दिली. माननीय नितीनजी राऊतही काम करतात आहे, सगळेजण काम करतात, राजनीती विसरलो. माननीय नितीनजींनी म्हटलं की राजनीती नाही खेलेंगे अभी हम, अभी लढाई लेंगे. भगवान कृष्णांनी सुद्धा म्हटलं होतं की हम लढेंगे, राजनीती नाही केलेंगे. अभी आपकी अपने हाथ में है कि हम लोग कितना लढते. अगर हम लढे तो ये मामूली बात, बहुत मामूली. 20 लाख करोड़ रुपये पंतप्रधान अपने को दे रहा है. अगर हिंदुस्तान का हर एक लड़का सोचता है कि मुझे कुछ करना है तो करोना क्या, इससे बड़ी बीमारी भी हम लड़ सकते. हाँ, माझा सूचना होता है, माझ्यासोबत माझे पदाधिकारी है, त्यांना काय म्हणत होते सुद्धा तुम्ही ऐकून घ्यावे. पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी में सबसे ज़्यादा रिस्क पे यदि कोई डॉक्टर है तो वो है डेंटिस्ट. हमारा जो जनरली प्रोसीजर्स रहते हैं वो एरोसॉल जनरेटिंग रहते हैं. एरोसॉल जनरेटिंग यानी हम जो मरीजों का उपचार करते हैं उसमें एक कॉम्प्रेसर का प्रयोग होता है. कॉम्प्रेसर जैसे एयर सक करके हमारी जो मशीन्स हैं उसमें वो हम लोग वापर करते हैं. तो एरोसॉल में क्या होता है, बहुत बार जो दूध के जो डेब्रीज है उसके जो पार्टिकल्स है वो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो जितना रिस्क मरीज को है उतना हम लोगों को भी है, हम डेंटिस्ट लोगों को भी है. तो इसके प्रिकॉशन के लिए हम लोग हमारे क्लिनिक में अल्ट्रावायलेट लाइट जो आती है मेडिकल ग्रेड की, वो लोग वो स्थापित कर रहे हैं या कर चुके हैं. साथ ही एयर प्यूरीफायर्स विथ हिपा 14 फिल्टर्स ये भी अनिवार्य रूप से हमने हमारे क्लिनिक में रखना चाहिए. उसका मुख्य उद्देश्य जो भी वायरस है जो 0.03 माइक्रॉन्स के भी रहते हैं वो हम लोग अपने मरीज़ को, हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं. साथ में एक बहुत ही पोटेंट डिसइंफेक्टेंट है सोडियम हाइपोक्लोराइड. इसको ये 5% कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल है. इसको डाइल्यूटेड फॉर्म में हमने यूज़ करना है हमारे क्लिनिक की मॉपिंग के लिए. फ्लोर के लिए अलग कॉन्सेंट्रेशन है. इवन जो ड्रेनेज पाइपलाइंस है उसमें भी हमको उसको डिसइंफेक्ट करना पड़ता है, उसके लिए अलग कॉन्सेंट्रेशन है. तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ओपीडी कर सकते हैं आप, मरीजों के दांत भी निकाल सकते हैं, बट एरोसॉल जनरेटिंग प्रोसीजर्स आप अपनी रिस्क पे करें. अगर आपके पास एक्स्ट्रा ओरल सक्शन है तो आप पूर्ण प्रिकॉशन लेके आप कर सकते हैं. बहुत नमस्कार, मी डॉक्टर गिरीश चरडे, बालरोग तज्ञ आणि भाजपा वैद्यकीय आघाडी विदर्भाचा संयोजक म्हणून काम करतो. आपल्याला माहीतच आहे की कोरोना हा आजार आता सगळ्यांनाच जवळपास माहीत झालेला आहे की किती भीषण स्वरूपाचा आजार आहे. आणि हा व्हायरस आपल्या शरीरात गेल्यावर आपलं हृदय, आपलं रेस्पिरेटरी सिस्टीमला अफेक्ट करतो. मुलांमध्ये जे आजार आम्ही प्रामुख्याने पाहतो ते सर्दी, खोकले, ताप असे रुग्ण आमच्याकडे येतात आणि त्यांना औषध दिल्यावर ते बरे होतात. पण मुलांमध्ये ह्या आजाराला किंवा या व्हायरसला कॅरी करायची कॅपॅसिटी बऱ्याच दिवसापर्यंत राहते. साधारणतः 30 ते 40 दिवस मुलांमध्ये हा व्हायरस राहू शकतो आणि त्याच्यामध्ये ते कॅरियर म्हणून राहतात आणि ते आजार इतरत्र लोकांना पण देतात. म्हणून आम्ही सगळ्यांना विनंती करतो की ज्यांच्या घरी हाय रिस्क आजी आजोबा असतील, ज्यांना BP आहे किंवा हार्टचा प्रॉब्लेम आहे किंवा काही मेजर सर्जरी झाल्या असतील, त्यांनी आपल्या नातवंडांपासून दूर राहायचं आहे आणि घरात एक डिस्टन्स ठेवून आपण त्यांच्याशी खेळू शकतो जे की 2 फीटचं आहे. दुसरं महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण प्रत्येक करता लसची डिमांड करतो की कोरोनाची लस आपल्याकडे नाही, पण आपल्याकडे ज्या लसी आहेत जसं स्वाईन फ्लूची लस आपल्याकडे उपलब्ध आहे ज्याला आपण इन्फ्लुएंझा लस म्हणतो, प्रत्येकाने ती लावून घेणं गरजेचं आहे. ते मोठे असो किंवा व्यावसायिक असो किंवा बँकेत काम करणारे असो किंवा वृद्ध आजी आजोबा असो, ती लस आपल्याला बऱ्याचपैकी प्रोटेक्शन देते कारण कोरोनासुद्धा हा इन्फ्लुएंझा कॅटेगरीमध्ये मोडणारा व्हायरसेस आहे. त्याचप्रमाणे होमिओपॅथी जसं मेडिसिन सरांनी सांगितलं की आर्सेनिकम अल्बम हे आपण देतोय प्रोफिलॅक्टिकली, त्याचे रिझल्ट्स खूप चांगलेले आहेत. त्याचप्रमाणे आयुष मंत्रालयाने काढासुद्धा दिलेला आहे आणि त्या काढासुद्धा तेवढाच इम्युनिटी वाढवणारा इफेक्टिव्ह काढा आहे असं म्हणणं आहे. ज्याचा विश्वास ज्या पॅथीवर असेल त्यांनी तो त्या पद्धतीने आपला उपचार करावा आणि आपल्या डॉक्टरांना डिमांड करावी. आमच्या दक्षिण नागपूर विधानसभा क्षेत्रामध्ये माननीय श्री मोहनजी मते यांनी करोनाच्या जे शब्दबंदित औषध प्रतिबंधित औषध जवळपास 50,000 लोकांना वाटप केले, त्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो. धन्यवाद. इस कोरोना 19 के
जो भी पैनिक हो रही पब्लिक, उसमें मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सोशल डिस्टेंस और हमारे वैद्यकीय डॉक्टर्स लोगों ने जो भी दिशा निर्देश दिए उसका पालन करें। हमारे केमिस्ट लोग जनता की 12 से 15 घंटे आज भी सेवा कर रहे हैं और बगैर किसी डर के वो पूरी तरह सेवा में लगे हुए हैं। हमारे लोग सुबह 9 बजे से रात को 12 बजे तक कभी भी सर्विसेज दे रहे हैं, तो कृपया सभी लोग सहयोग करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके दुकानों में आए। और हमारी जनता से यही अपील है कि सरकार के द्वारा दिए गए सारे निर्देशों का पालन करें। थैंक यू। कोरोना सारख्या भयंकर आजारामध्ये प्रिकॉशन आणि प्रिव्हेंशन या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत। त्यामध्ये आरोग्य चिकित्सक म्हणून अश्वगंधा आणि गुडची गुडवेल सत्व हे दोन औषधं इम्युनिटी बूस्टर म्हणून काम करतात, तर ते कोरोनासाठी बचाव म्हणून काम करू शकतात, तर ते त्याचा फायदा लोकांनी घ्यावा। आपके माध्यम से मैं कॉमन पब्लिक में दो इम्पॉर्टेंट मैसेज कम्युनिकेट करना चाहती हूँ। सबसे पहले आर्सेनिकम एल्बम एज एन होम्योपैथिक प्रिवेंटिव, आई बीइंग अ होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट मुझे इस पर बहुत इम्पॉर्टेंट बातें कम्युनिकेट करनी है कि पब्लिक में बहुत कन्फ्यूजन है। कोई बोलता है आर्सेनिक लेना चाहिए, कोई बोलता है कैम्फोरा लेना चाहिए, कोई बोलता है इन्फ्लुएंजा लेना चाहिए, कोई तो दो तीन दवाइयों का कॉम्बिनेशन को भी प्रमोट कर रहा है। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो कॉम्बिनेशंस कोई भी हो नहीं खाने, प्रिवेंटिव कोई भी हो खुद होके दुकान से खरीद के नहीं खाना है। अगर आपको प्रिवेंटिव चाहिए ही है तो यू शुड विजिट एमिनेंट और कॉम्पिटेंट होम्योपैथिक कंसल्टेंट, आप उनसे मिलिए, उनसे अपना पर्सनल चेकअप कराइए और वो आपको ठीक और सुटेबल तरीके से मेडिसिन देंगे। अगर आपने ले ली है दवा या आपके पास आर्सेनिकम पड़ी है, देखिए आर्सेनिकम इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज आर्सेनिकम का डेटा अवेलेबल है प्रिवेंटिव लेवल पर, किस परसेंटेज में आर्सेनिकम ने प्रिवेंट किया। बाकी ड्रग्स का डेटा आने का है, मैं ये नहीं बोलूँगी दे आर यूजलेस, लेकिन डेटा इज़ नॉट कन्फर्म्ड यट। सो आर्सेनिकम इज बिन नाउ वेरीफाइड टू एन एक्सटेंट। केरला में मास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, पूना पुलिस में राजीव बजाज जी ने मास डिस्ट्रीब्यूशन किया है, नागपुर में भी हम लोगों ने लगभग मास डिस्ट्रीब्यूशन किया है, एंड एट मेनी प्लेसेस अभी गवर्नमेंट खुद और जनता खुद मांग रही है। तो उसका एक वेरीफिकेशन डेटा, जैसा कि हम एज अ सर ने बताया 25 OPDs में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम भी हर पेशेंट का फ़ोन नंबर रख कर एक एक दो दो महीने बाद उसका फॉलोअप लेकर वो डेटा बनाएंगे और वो आयुष मिनिस्ट्री को भेजेंगे। और महाराष्ट्र सरकार ने जो लोग ICU में एडमिट है, दाखिल है, उनको होम्योपैथी सपोर्ट चाहिए ऐसा बोला गया है। मुझे इस सिलसिले में पूछा गया, हमने अभी तैयारी है, मैं होम्योपैथी डॉक्टरों को भेज सकता हूँ, उनके नाम दे सकता हूँ, लेकिन यह ज़रूरी है कि जो डॉक्टर मैं भेजूँगा जो ICU के अंदर जाएगा उसको पूरी प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव मास्क केयर करना, नहीं तो वो नहीं जाए। हाँ, अगर वो देते हैं तो ही मैं दूंगा, अदरवाइज कोई अपन होकर जाता है तो मुझे उसका कुछ रोकथाम नहीं चाह सकता। एज फार एज प्रिवेंटिव मेडिसिन इज कंसर्न दैट कैन बी गिवन थ्रू माई ओपिनियन, पर एज फार एज कल 6 पेशेंट नागपुर में मिले कोरोना पॉजिटिव, एक मर गए। नागपुर में टोटल 373 पेशेंट हुए हैं, 272 एडमिट है, 7 जन मर गए, 272 को छुट्टी हो गई। महाराष्ट्र में 33,053 लोग सफल हैं, भारत में 96,169। नागपुर में हमने 25 दवाखाने खोले हैं जिसमें से मोर देन 60,000 के आसपास हमने दवाई दी है। कुछ पेशेंट पुलिस है, कल के कल महाराष्ट्र में 2,347 पेशेंट मिले, 23 लोग मर गए। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये सबसे हाईएस्ट आंकड़ा है, इसीलिए हमने आपको रिक्वेस्ट की है कि ये जनता तक पहुँचा, जनता ने इसका पालन करना चाहिए। जो हमने सुझाव दिया उसका खुद ही पालन करे, अगर खुद को बचाना है भारत को बचाना।